हेलो भाइयों, मैं हूँ सार्थक गौतम। आज आपको दिखाने वाला हूँ एक सेडान। भाई सेडान का जो यार मार्केट है ना इंडिया में यार काफ़ी गिरता जा रहा है, पर लेकिन कुछ सेडान्स अभी ऐसी हैं जो बहुत टॉप पर हैं, जैसे कि आपकी ये होगी सलाविया। और देख सकते हैं आजकल इन SUVs पे शिफ्ट हो रहे हैं भाई लोग। ये कुशैक हो गई आपकी, है ना, इन ये जो हो गई ये सारी आपकी जितनी भी SUV हैं, देखो ये हो गई आपकी, है ना, ये सब SUVs पे शिफ्ट हो रहे हैं आजकल लोग। पर लेकिन सेडान्स में यार ये तो ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलता है और अपना बहुत सी चीज़ें तो नहीं मिल पाती। अब SUV में भाई ऊंचा बैठते हैं वगैरह, ऐसा रहता है सिस्टम। पर लेकिन आज हम बात करेंगे सलाविया के बारे में। भाई एक सेडान कार है जो कि बहुत ही मतलब बढ़िया गाड़ी है, और इसके बारे में पूरा बताऊंगा, फीचर वगैरह कैसे कैसे। देखो फ्रंट प्रोफाइल से बात करते हैं। आप देखो बोनट इसका देख सकते हो, है ना, स्कोडा की आगे इसमें पूरी बैजिंग आ रही है, ऐसे देख सकते हो आप। क्रोम में पूरी ग्रिल है, ये आपका बीच में है ना, ये बीच में ऐसे, ये आपका पियानो ब्लैक फिनिश में है और ये आपका रफ में है, देख सकते हो पूरा क्रोम में दे रखी है ऐसे ग्रिल। ये आपकी DRS हो गई, इंडिकेटर हो गए, वाइट लैंप है आपका पीछे, नीचे देखो आप फॉग लैंप, ये आपके हेलोजन में है। और देख सकते हो भाई इसमें एडास भी आता है, देख सकते हो। इसके जो भाई टायर की जो प्रोफाइल है वो है 205/55 R 16 इंचेस के अलॉय व्हील हैं, देख सकते हो। थोड़ा सा भाई कंजेस्टेड है ये, मतलब यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी है ना इस चक्कर में, देख सकते हो। 1, 2, 3, 5 नटों के साथ आती है। और जो टायर जो है वो है ट्रेड कुछ ऐसे, नहीं MRF के टायर है भाई, ये देख सकते हो MRF के टायर है, इधर लिखा हुआ है ना। स्कोडा की इधर बैजिंग आ गई, ये आपका ORVM हो गया, है ना, आपका रिक्वेस्ट सेंसर भी इसमें आता है। और ऊपर देखो बीच में इन्होंने क्रोम रखा है भाई, बहुत ही प्रीमियम लगता है देखने में, देख सकते हो ऐसे क्रोम दे रखा है। और यहाँ पे ऊपर आपका बॉडी कलर पेंट ही है ना, और आपके टिंटेड ग्लास है ऊपर, सनरूफ, आपका शाफिन एंटीना। और भाई ये सेडान है ना, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है वो, मतलब इसमें नहीं आपकी सलाविया होगी, आपकी सो वॉक्सवैगन वर्टस है ना, वो भी मतलब दोनों बहने सी एक ही कंपनी है ना, देख सकते हो। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई, कहीं गाड़ी लगती नहीं है। अब ज़्यादा कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह ले जाओ तो लग सकती है, वरना नहीं लगती ऐसे, है ना। अब देखो पीछे से भाई एकदम बैठते हैं ना भाई, एकदम राजा वाली फील आती है। पूरे देखो क्रोम की पट्टी इन्होंने देख रखी है, और शाफिन एंटीना वगैरह आता ही है, आपका डिफॉगर आता है इसमें। पीछे से आप देख सकते हो पूरा गाड़ी को कैसी लगती है कैसी नहीं, भाई एकदम मुझे तो देखो अच्छी लगती है देखने में। ये आपकी स्कोडा ही खड़ी है, इसकी बना दूंगा वीडियो में TSI इंजन के साथ, ये देख सकते हो। ये आपका कैमरा हो गया इसमें, है ना, ये आपका नॉर्मली इंजन है आपका, पावर वाला नहीं है। देखो एवा बस बटन दबाया था मैंने, एवा बस बटन दबाया, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कितने उसका भाई, इसमें आराम से 2 आदमी आ सकते हैं, देख सकते हो। ऊपर भी इन्होंने भाई तगड़ी तरह से कर रखा है, फिनिशिंग पूरा छुपा रखा है। पर यार ये देखो यहाँ से ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये सब ये है ना यार, ये थोड़ी सी चीज़ें इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और देख सकते हो नहीं मतलब बूट वगैरह एकदम सही लगता है, ज़्यादा कोई गौर ना करे। और यहाँ पे देखो ये वायर वगैरह इसे ढक भी सकते थे यार, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लैंप हो गया इधर दोनों नंबर प्लेट के, ये आपका स्कोडा का पूरा बैजिंग होगी, सलाविया की बैजिंग होगी इधर, बूट वगैरह इसमें तगड़ा मिलता ही, आपकी स्क्रीन पर आ ही जाएगा, देख सकते हो आप। ये पूरा LED में है, और ये आपका बल्ब दे रखा है इंडिकेटर का और रिवर्स लैंप का। अब देखो यार ये आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो गई, पेट्रोल के अंदर है भाई ये कार, देख सकते हो। इन्होंने पता है यहाँ पे भी साइड में दे रखा है लाइट वगैरह दे रखी है, मतलब पीछे से जब गाड़ी आती है ना उसके लिए यहाँ पे साइड में दे रखा है, उन्हें भी पता चल जाएगी यहाँ पे गाड़ी बैक हो रही है तो पीछे भी लैंप से पता चल जाएगा। और देखो इनके वाइपर कुछ अलग ही हैं, देख सकते हो, है ना, ये आपके वाइपर दे रखे हैं ऐसे, और आपके एडास के फीचर आ ही रहे हैं इसमें। अब चलो अगर अंदर से बैठ के दिखाता हूँ, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दोनों साइड ही मिल रहा है। अब देखो इसका गेट पहले खोलते हैं, गेट दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये रहा इसका पूरा गेट, पियानो ब्लैक फिनिश में दे रखा है पूरा, और क्रोम में दे रखा है इन्होंने, आपका वाइट में पूरी फिनिश दे रखी है। ये आपका ग्रैब हैंडल हो गया, आपका सॉफ्ट टच में दे रखा है, पूरा सॉफ्ट टच में है, ये नहीं ये सिर्फ यही आपका सॉफ्ट टच में। और देखो विंडोज़ दोनों ही आपकी ऑटो अप डाउन है, और इसमें आपका ORVM फोल्ड कर सकते हो आप, चाबी से अनफोल्ड फोल्ड हो जाता है। ये भाई आवाज़ क्यों कर रही है, चाबी देना सर यार। भाई ये इसकी की है, की यार थोड़ी सी प्रीमियम नहीं है यार, की देख सकते हो की। अब देखो मैं इसमें दिखाता हूँ, देखो लॉक कर देंगे अपने आप फोल्ड हो जाएगा, ये आपकी की मिलती है लॉक, बूट खोलने का अनलॉक है ना, खोलते हैं अपना, खुली गई है अपना गाड़ी, खुल गई। अब देखते हैं अंदर से, मैंने आपको बता ही दिया था ऑटोमेटिक हैं इसकी विंडोज़ अप एंड डाउन,
अब देखो सीट्स की बात करते हैं भाई, गंदी तो हो गई है, यही तो होता है बेज कलर का, गंदी हो जाती है बहुत जल्दी। देखो यहाँ से हाइट एडजस्ट हो जाती है आपकी और रिक्लाइन यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। अब देखो फुल पीछे कर देते हैं सीट को, अब देखो अब दिखाता हूँ। और मतलब यार देख रखे हो इतनी मोटाई तो देखो आप, मतलब एकदम सेफ लगती है भाई। देखो जैसे ही इसका डोर बंद करता हूँ, देखो एकदम प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी और कट्स एंड क्रीजेस आप देख ही सकते हो, ऐसे कट वगैरह एकदम मतलब एरोडायनामिकली बहुत तगड़ी है ये। मान लो आपको बहुत तगड़ा एक हाईवे पे फील देगी चलाने पे। देखते हैं अब अंदर बैठते हैं इसमें, पूरा इंटीरियर देखो प्रीमियम लगता है, एकदम प्रीमियम क्लास लगती है एकदम। ये देखो आप पूरा इंटीरियर है ना, पूरा ऐसे करते हैं स्टार्ट। इसका पुश स्टार्ट बटन भाई यहाँ पे है, देख सकते हो भाई गाड़ी स्टार्ट होगी, पता भी नहीं चला अंदर। अब देखो मैं विंडो डाउन करता हूँ, अब देखो आपको इंजन साउंड आ रहा है कि नहीं। ऐसे जब मैं रेस दूंगा तब तो आएगा ही, पर बिल्कुल इसमें पता ही नहीं चलता है। और देख सकते हो पूरा डैशबोर्ड का लुक, ये देखो इसे करते हैं। अब देखो ऐसा आपको कुछ स्क्रीन मिलती है भाई, थोड़ा सा स्पीड भाई कम हो जा, देख सकते हो आपका स्क्रीन वगैरह ऐसी मिलती है, फ़ोन एप्पल कार प्ले वगैरह, एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस नहीं आपका वायर्ड है, और रेडियो मीडिया, मीडिया में जाते हैं नोट्स वोट्स अवेलेबल, रेडियो वगैरह हैं। ऐसे बंद कर देते हैं भाई, मेन्यू में हो गया साउंड आपका, व्हीकल स्मार्ट लिंक, इसमें काफ़ी फीचर्स हैं। आप कहोगे तो मैं और इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, पर लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, टिकटॉक को करते हैं बंद है ना। ये देख सकते हो आप MIDs की, ऐसी कुछ MID मिल रही है। देखो RPM पता है यहाँ पे आता है, देखो ये आता है RPM, देख सकते हो पेट्रोल में आती है भाई ये गाड़ी, पेट्रोल में ही है ये तो। और 260 की भाई इसमें मार्किंग है भाई, 260 इन्हीं की गाड़ियों में आती है सबसे ज़्यादा मार्किंग, तो मतलब जितना भी अपना प्राइस जो है, प्राइस जितना भी नॉर्मल प्राइस होता है ना। देखो स्टेयरिंग आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, और इसकी जो स्टेयरिंग तो हो गया आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। अब इसके जो मीडिया के जो कंट्रोल्स हैं अंदर, इनके जो कंट्रोल हैं ना वो यहाँ से होते हैं, देख सकते हो इनसे होते हैं। अब दिखा देता हूँ मैं करके, देखो ये वाला बटन दबाएंगे ना जब, देखो इसमें आ गया आपका AV एवरेज कंसप्शन, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एवरेज स्पीड, और के ये पता नहीं क्या है, लेवर डिस्प्ले देखते हैं इसमें। अच्छा अच्छा RPM डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले में आने लगा है। ऑडियो, टेलीफोन, क्लोज अपना भाई गाने में चला है ना, सेटिंग्स में नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डेटा कंजप्शन, ऐसे ना काफ़ी तमाम इसमें फीचर मिलते हैं, ठीक ही हैं। और इसमें आपके वॉइस कमांड वगैरह इधर दे रखे हैं उन्होंने, आपका ये जो स्टेशन इसमें मतलब FM वगैरह चल रहा है वो चेंज कर सकते हो, और आपका वॉइस कमांड भी दे सकते हो, वॉइस कैन, अच्छा कोई बात नहीं, मतलब इसमें वॉइस कमांड आप दे सकते हो। ये आपके देखो हो गए क्रूज, ये आपके भाई इंडिकेटर के हैं, देखो ऐसे करोगे ना इंडिकेटर, अब जैसे कि इसमें देखो ऐसे करते हैं ना एक बार, तो ऐसे तीन बार इंडिकेटर चल जाता है, हाईवे पे बहुत ही काम का फीचर होता है। और ये देख सकते हो आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह हो गए है ना, तो देखो बंद करते हैं। ऑटोमेटिक लैंप वगैरह आपको पता ही है यहाँ से एडजस्ट होते हैं इनके ऐसे, और अपना हाई बीम हो गया, अपना लो बीम, हाई बीम के लिए तो निकालना पड़ता है ऐसे, ऐसे ऐसे कर देते हैं हाई बीम हो जाता है देखो। और आपका लाइट वगैरह लेवल यहाँ से एडजस्ट होता है, क्रोम में फिनिश दे रखा है, एकदम टॉप लगती है गाड़ी। देखो आपका वाइट लैंप है यहाँ पे, अरे बंद क्यों नहीं हो रहा ये, अच्छा यहाँ से बंद हो गया लैंप, दो एक ऐसे दोनों ऐसे जल जाती हैं। और इसमें जो सनरूफ है ये देखो, ये आपका सनरूफ हो गई, काफ़ी बड़ी सनरूफ है यार, मतलब XUV जितनी है, XUV 300 जितनी, इतनी खुलती है भाई, खुलती तो बहुत कम है इसमें, मतलब यहीं तक ही खुली बस, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे खोल देते हैं, थोड़ा रोशनी वगैरह आएगी। 6-speed का भाई मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक में भी आती है आपका डोर अनलॉक करने का, लॉक अनलॉक करने का, और ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने का। वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं इसमें है ना, और वेंटिलेटेड सीट्स इसमें मिलती हैं। 12 volt का पावर सॉकेट, आपका कुछ सामान वगैरह रख सकते हो उधर है ना, और इसमें थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह रख सकते हो इनमें भी बीच कलर में, और एडजस्टेबल है आर्मरेस्ट है ना, ये सबसे तगड़ी बात है, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है। और इसमें दिखाते हैं अंदर, कूल ग्लव बॉक्स है आपका, देख सकते हो भाई हाथ हटाना, देखो इतना स्पेस मिलता है इसमें भाई, सीट थोड़ा पीछे करो, हाँ इतना स्पेस मिलता है इसमें, कुछ भी सामान रख सकते हो आप छोटा मोटा अपना, यहाँ पे भी आप कॉइन वगैरह कुछ रख सकते हो, भगवान जी अपने रख सकते हो है ना। और ये आपका ऑटो डिमिंग IRVM देख सकते हो, कितना प्रीमियम लग रहा है देखने में ये, कितना प्रीमियम है। और देख सकते हो आपके ये सॉफ्ट वाले नहीं है, देखो भाई गाड़ी में, अब देखो पीछे से दिखाता हूँ पीछे से क्या भाई इसमें क्या, नहीं इंजन वगैरह यहाँ से खुलता है इसका है ना, इसमें भाई वायरलेस चार्जिंग है देख सकते हो,
यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। वायरलेस चार्जिंग भी भाई टाइप दोनों सी दे रखी है इन्होंने, ये काफ़ी लगता है आगे जी रहे हैं लोग स्कोडा वाले, क्योंकि भाई टाइप सी आजकल तो भाई बहुत गाड़ियों में ऐसा टाइप सी मिलता ही नहीं है। टाइप सी अब मैं जो सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँ, देखो ये हो गई मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है ना भाई, लेदर राइट सीट्स हैं। और देखो पीछे से दिखाता हूँ, देखो भाई बैठते हैं इसमें भाई साहब, मतलब ये मान लो यार बहुत तगड़ा कंफर्ट है यार, ये मान लो बहुत तगड़ा कंफर्ट है। बिल्ड तो है ही एक नंबर और कंफर्ट वो भी एक नंबर। ये देख सकते हो आपके क्रोम में ही डोर हैंडल्स हैं, यहाँ पे कोई पैनो ब्लैक फिनिश नहीं दे रखा भाई है ना। ये देख सकते हो आप यहाँ पे नॉर्मल दे रखा है, यहाँ पे ट्विटर हो गया, स्पीकर हो गया, चार स्पीकर और चार भी ट्विटर हैं है ना। आपके देख सकते हो सीट वगैरह हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हो। और ये देखो पीछे एसी वेंट्स, टाइप सी के पीछे भी दोनों पोर्ट है भाई, टाइप ए वगैरह आपके यूएसबी पोर्ट तो है ही नहीं इसमें, वही अपना एक 120 वोल्ट का पावर सॉकेट है। ये देख सकते हो आर्म रेस्ट वगैरह यहाँ मिल ही रहा है, अपना मस्त हाथ रख के जर्नी कर सकते हो, ग्लास वगैरह रख सकते हो अपना, मस्त जाओ एकदम। ये देखो ये भी आपके हो गए वाइट लैंप, भी पता है कैसे प्रोजेक्टर वाले हैं, देखो बिल्कुल इसमें लाइट देते हैं है ना, इनका आप एडजस्ट नहीं कर सकते मतलब लेवल वगैरह ऐसे ही है ना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हाँ ऐसी चल जाती हैं। देखो पीछे तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं आपके, और सीट वगैरह देख सकते हो, इसे बंद करते हैं। ये देखो मतलब एक आदमी इसमें तीन आदमी आ जाएंगे आराम से, वो बहुत अच्छा मतलब एकदम कंफर्टेबली राइड हो सकती है। अब देखो पीछे से यहाँ से हम अपना सामान भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हो ऐसे अपना पीछे हम सामान भी एक्सेस कर सकते हैं, शायद इसमें से नहीं कर सकते। अच्छा फील होता है गाड़ी में, ये आपकी फलाविया बहुत ही तगड़ी लगी भाई मुझे तो, मैंने पहली बार ही एक्सपीरियंस करा इसे, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब भाई इसका इंजन और दिखा देता हूँ, इंजन कैसा है कैसा नहीं इसका, स्कोडा की दर बैजिंग, और देख सकते हो यहाँ पे एक लॉक होता है उसे खोलते ना भाई, बोनट भी काफ़ी हैवी है। ये है भाई इसका इंजन 1 लीटर का TSI इंजन, पावर वगैरह आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी देख सकते हो। यही था आपका स्कोडा सलाविया भाई, चैनल को सब्सक्राइब, हॉर्न वगैरह आपने सुनी लिया, एक और बात है ऐसा हॉर्न मिलता है, हॉर्न आपने देख ही लिया, ऐसी यही थी भाई गाड़ी, और एडास वगैरह इसमें आ ही रहा है, और काफ़ी बढ़िया गाड़ी लगी मुझे। देखो यहाँ पे भी स्कोडा की बैजिंग दे रखी है ना। तो यही थी भाई आपकी स्कोडा सलाविया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नई वीडियो में, ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।